स्टूडेंट आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र के विकास चैप्टर, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 में है। तो आज हम लोग MCQ प्रश्न देखेंगे, जो बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं या एक नंबर वाले प्रश्न, ठीक है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन लेते हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। तो चलिए इस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन में से हम लोगों को चुनना है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ प्रथम ऑप्शन है कि व्यक्ति की कुल आय, दूसरा ऑप्शन है देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके, और तीसरा है वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत, और चौथा है देश का कुल निर्यात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कि सेकेंड नंबर, देश की कुल जनसंख्याओं में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि केरल का शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, जो केरल में है वो शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो चलिए इसके आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन में से हम लोग को चुनना है। तो क्या है कि यहाँ की जलवायवीय स्थितियाँ अच्छी है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर्याप्त आधारभूत संरचना है, यहाँ तीसरा यहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है, और चौथा यहाँ निवल नामांकन अनुमान कम है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कि यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है, जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या सूचित करता है। तो शिशु मृत्यु दर जो सूचित करता है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन में से हम लोग को चुनना है, तो 7 वर्ष और उससे आयु के लोगों में साक्षरता संख्या, दूसरा है किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है, मर जाने वाले बच्चों का अनुपात। फिर यहाँ पे चौथा है कि 1 वर्ष में जन्म लेने वाले कुल बच्चों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। ऑप्शन दिया हुआ है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। 5 है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव विकास सूचकांक भारत से अधिक है। तो यहाँ पे नेपाल, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला शक्ति, ऑप्शन दिया हुआ मेरा शक्ति, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, हिंसक प्रदर्शन और आतंकवाद। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 7, GDP का क्या अर्थ है, GDP का क्या अर्थ है, सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, बड़ी विकास परियोजना, बड़े घरेलू उत्पाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद, GDP का ये अर्थ होता है, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, साधन न संख्या, जनसंख्या होगा यहाँ पे, जनसंख्या, औसत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा कि औसत आय, आंसर हो जाएगा इसका औसत आय, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास सूचकांक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों को
स्वस्थ स्तर और इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसमें से क्या हो जाएगा, मेरा केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ पे गैर नवीकरणीय संसाधन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे है वन, जल, खनिज तेल और वायु ऊर्जा। इनमें से आपका ये हो जाएगा खनिज तेल। क्या होगा, खनिज तेल, खनिज तेल जो है गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कि UNDP के अनुसार किस देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा का स्तर, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और उपरोक्त सभी। ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी 13 क्वेश्चन का ये आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ एक अंक वाले प्रश्न जो होते हैं वो लिखित तौर पे आते हैं, लिखने के लिए आते हैं कि लिखना है हम लोगों को। तो क्या करना है कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने ले लिया है कि प्रश्न वन, अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। तो वहां पे कम क्यों था, कि यहाँ स्वास्थ्य एवं व शिक्षा सुविधा की बेहतर व्यवस्था है। दूसरा, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है, जो औसत आय है उसके ऊपर विकास की गणना करना सही है। नहीं, क्यों, क्योंकि उससे यह आय की असमानताओं का पता नहीं चलता, आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। फिर क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि GDP का क्या अर्थ है, GDP का क्या अर्थ है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है। तो हम लोग पहले भी ऑप्शन में देखे थे कि केरल राज्य का है। मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है UNDP के द्वारा गणना किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर आगे 7 है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्य पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। ठीक है, राशन बांटा जाता है। फिर आगे दिया हुआ है कि जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। तो जन सुविधाओं का क्या अर्थ है कि वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, वही जन सुविधा अर्थ होता है यहाँ पे। फिर है कि अनवीकरणीय संसाधन का उचित उपयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका उपयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग हम लोग सतर्कता के साथ करना चाहिए। हमने कुछ और क्वेश्चन ले लिया है जो बना कर रखे, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन हमने ले लिया है, और क्वेश्चन है कि भारत कौन से देश के वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 2004 के अनुसार जो भारत था वो निम्न आय देशों के वर्ग में आते थे। क्या होगा, निम्न आय वर्ग देशों में आते थे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन कि निम्न आय देश किसे कहते हैं, निम्न आय देश किसे कहते हैं। तो निम्न आय देश कहते हैं कि वहां के प्रति व्यक्ति आय, उस देश के प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय है वो $825 से
डॉलर या डॉलर से कम आय वाले देश को निम्न आय देश कहते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया। फिर यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या है, यहाँ पे यूज हुआ था कि प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय को समझने के लिए हम लोग ने क्या किया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या लिख लिया है ना। देखिए यहाँ पे कि जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो देश की कुल आय है, जो कुल आय है उसको कुल जनसंख्या से भाग दे दिया और जो भागफल आया उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए कि प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार से निकाला जाता है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से भाग देने पर जो निकलेगा वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है, फिर एक है औसत आय। औसत आय क्या है, तो चलिए औसत आय को भी हम लोग देख लेते हैं कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे निम्न देश और समृद्ध देश हम लोग समझे देख रहे थे। तो निम्न देश के अंतर्गत आने वाले जो देश हैं वो हम लोग कह सकते हैं कि निम्न देश के अंतर्गत में, यहाँ पे देखिए ये भारत है, निम्न देश के अंतर्गत में आते हैं, इसमें से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, केन्या इत्यादि देश निम्न देश के अंतर्गत में आएंगे। ठीक है, अब फिर आगे दिया हुआ है कि आपका समृद्ध देश, यहाँ पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि समृद्ध देश क्या है। तो 2004 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 10,066 डॉलर प्रति आय प्रति वर्ष आय उससे अधिक आय को समृद्ध देश आय कहते हैं। मतलब यह है कि उस देश, वैसा देश जो समृद्ध देश है, वहां के प्रति व्यक्ति 10,066 डॉलर प्रति वर्ष कमा लेता है उस देश को समृद्ध देश कहते हैं। जैसे इसमें से आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, सिंगापुर आदि। ठीक है, अब यहाँ पे है कि विकसित देश और विकासशील देश, दो यहाँ पे बात उठती है, विकसित देश और विकासशील देश क्या है। तो चलिए विकसित देश देखिए, विकसित देश के अंतर्गत में आपका आएगा ये सब जो ऊपर वाले देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी आदि, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अधिक आय वाले देश होंगे। और विकासशील देश में कम आय वाले देश, जैसे में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब किस में आएंगे कि विकासशील देश में आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए